बस खड़ी हुई है यहाँ पे और हम जा रहे हैं सभी लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से रुक्मणी माता का जो मंदिर है, विश्व में प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ रोका था, जो कि पूरी जो डिटेल है मैंने इसमें एक वीडियो चलाया हुआ है, जो कि यहाँ के लोकल बंदे हैं उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। और ये आप मंदिर देख सकते हैं फिलहाल के लिए, तो मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत है और मैं अंदर जाके भी आया हूँ, तो वाकई में कुछ जो तीर्थ हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपके अंदर होनी बनती है। और एक्चुअल में जो कंडीशंस हैं आज के टाइम में हमारी यूथ की, वो यार थोड़ी सी इन चीज़ों से भटकती हुई जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ को भी फॉलो करें। और क्या बताऊँ मैं, अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपको अच्छा अच्छा महसूस कराएंगी। और मैं आपको बताऊँ तो यही है कि देखो, घर बैठ करके अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रियलिटी में आओगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही कमाल की जो वाइब्स हैं वो आने वाली हैं। और लिटरली यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग आए हुए हैं, और इस तीर्थ के साथ साथ आपके मन की शांति बहुत ज़रूरी है, जो कि वाकई में कहीं नहीं मिलती। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड यस टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं फिर से मैं मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ आपको, ये देखें आप, लिटरली इट्स अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्चर वंस अगेन, ये देख सकते हैं आप। और ये खड़ी है हमारी बस, हम चलते हैं बस के अंदर और बस के अंदर बैठेंगे, अंदर बैठ करके फिर सीधे द्वारका, द्वारका से आज हम जयपुर निकल जाएंगे।